डियर स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी तटस्थता वक्र की। तो तटस्थता वक्र हमने पढ़ा था, कल आपने अध्ययन किया होगा इसका घर पे जा करके। तटस्थता वक्र क्या बताता है? तो तटस्थता वक्र में हमने पढ़ा था कि तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता को जो है उसकी प्राथमिकताओं को ग्राफ पर दर्शाया जाता है। प्राथमिकता मतलब वरीयता, वरीयता कह सकते हो या रैंक कह सकते हो या क्रम कह सकते हो, तो उसको जो है दर्शाया जाता है। तो एक तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के, पहले इसकी परिभाषा का अध्ययन किया था हमने कि इसकी परिभाषा क्या है, कि एक तटस्थता वक्र जो है दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग को बताता है। ठीक है, तो हमने कल अध्ययन किया था कि तटस्थता वक्र का जो है आकार इस प्रकार का होता है, ये आईसी कर्व कहलाता है। ये दो विभिन्न वस्तुओं, जैसे यहाँ पर हमने ली थी वस्तु एक्स, एक्स वस्तु नीचे ले ली थी और ओ एक्स पर हमने नीचे एक्स वस्तु ले ली थी और ओ वाई पर हमने ले ली थी जो वाई वस्तु। ठीक है, तो हमने इसमें देखा था कि उपभोक्ता विभिन्न जो संयोग है, जैसे ए संयोग है, बी संयोग है, सी संयोग है, तो इन विभिन्न संयोगों में से किसी भी संयोग को अगर चुनता है तो उसे समान संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, तो क्या परिभाषा क्या होगी? दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग को, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग को दर्शाता है आईसी वक्र या तटस्थता वक्र। क्या दर्शाता है? दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग को दर्शाता है जिससे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। कैसी संतुष्टि? एक समान, यानी अगर वो ए संयोग को चुनता है तो उसे वाई की इतनी मात्रा और एक्स की इतनी मात्रा मिलेगी, अगर इस संयोग को चुनता है तो एक्स वाई की इतनी मात्रा और एक्स की इतनी मात्रा, और इस संयोग को चुनता है तो एक्स की वाई की इतनी मात्रा एक्स, यानी तीनों ही संयोगों पर जो है उसे समान संतुष्टि प्राप्त होती है। कल वाली जो तालिका हमने देखी थी कि वाई वस्तु की 25 इकाइयां और इसकी एक इकाइयां, ठीक है, इसकी 20 इकाइयां और इसकी दो इकाइयां, ठीक है, इसकी 18 इकाइयां, इसकी तीन इकाइयां, तो इस तरह तीनों संयोगों में से हम कह सकते हैं किसी भी संयोग को अगर चुने ए बी या सी तो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, या हम कह सकते हैं उपभोक्ता, इसलिए इसको तटस्थता कहते हैं, तटस्थ रहता है। तटस्थ मतलब तीनों से समान संतुष्टि उसे प्राप्त होती है। अगर वो किसी भी संयोग को चुनता है तो उसे समान संतुष्टि प्राप्त होती है, इसीलिए इसे समान तटस्थता वक्र कहते हैं। फिर हमने बात की थी तटस्थता अनुसूची क्या है। तो तटस्थता अनुसूची की बात हमने की थी कि तटस्थता अनुसूची क्या बताती है। अनुसूची मतलब होता है तालिका। तो तटस्थता वक्र बनाने के लिए एक तालिका की जरूरत होती है, एक अनुसूची की जरूरत होती है। तो जिस तालिका या की सहायता से तटस्थता वक्र बनाया जाता है उसे ही तटस्थता अनुसूची कहते हैं। तो एक तटस्थता वक्र को बनाने के लिए एक अनुसूची होनी जरूरी है और उसी अनुसूची की सहायता से तटस्थता वक्र बनाया जाता है। तो कल हमने बात की थी कि जैसे जो संयोग है, विभिन्न संयोग है, जैसे हमने किया था पहला संयोग क्या है, पहला संयोग में x वस्तु की कितनी मात्रा है और y वस्तु की कितनी मात्रा है, तो उसमें हमने बात की थी कि x वस्तु की जो है एक मात्रा और y वस्तु की 25 इकाइयां, ठीक है। दूसरे संयोग में हमने बात की थी कि दो इकाइयां इसकी, x वस्तु की दो इकाइयां और 20 इकाइयां y वस्तु की। तीसरा संयोग क्या है, सी संयोग कह सकते हो या तीसरा संयोग कह सकते हो, तीन इकाइयां x वस्तु की और 16 इकाइयां y वस्तु की, ठीक है। चौथे संयोग में हमने बात की थी, चौथे संयोग में चार इकाइयां x वस्तु की और 13 इकाइयां y वस्तु की। तो इस तरह इन विभिन्न संयोगों में से उपभोक्ता को जो है वो समान संतुष्टि प्राप्त हो। तो जिस तालिका की सहायता से या हम कहते हैं तटस्थता वक्र बनाने के लिए एक अनुसूची या तालिका की आवश्यकता होती है उसी की सहायता से तटस्थता वक्र बनेगा। तो जिस अनुसूची या तालिका की सहायता से तटस्थता वक्र बनाया जाता है उसे तटस्थता अनुसूची कहते हैं, आइसोलेटेड शेड्यूल तटस्थता अनुसूची कहते हैं, ठीक है। तो इसकी सहायता से हमने जो तटस्थता वक्र बनाया था वो हमने इस तरह का बनाया था कि तटस्थता वक्र जो है वो इस प्रकार का होता है, आईसी कर्व इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी कि तटस्थता वक्र क्या होता है और तटस्थता अनुसूची क्या होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इससे आगे जो हम बात करेंगे वो है तटस्थता मानचित्र। तटस्थता मानचित्र आइसोलेटेड मैप, तटस्थता मानचित्र क्या होता है,
देखिए अगर एक से ज्यादा तटस्था वक्र बनाए जाए, ठीक है, तो एक तटस्था वक्र क्या दर्शाता है हमें, एक तटस्था वक्र दर्शाता है कि उपभोक्ता जो है विभिन्न संयोगों पर तटस्थ है, इसका मतलब उसे समान संतुष्टि मिलती है। तो एक तटस्था वक्र एक विशेष संतुष्टि स्तर को बताता है, ए बी सी या किसी भी चुने तो विशेष संतुष्टि स्तर को बता। और यदि एक ही चित्र में कई तटस्था वक्र बनाए जाते हैं जो विभिन्न संतुष्टि स्तर को बताते हैं, एक से ज़्यादा तटस्था वक्र बनाए जाएं, ये आई सी फर्स्ट हो गया, ये आई सी टू हो गया, ये आई सी थ्री हो गया, ठीक है, तो एक मानचित्र में हम कह सकते हैं यदि एक चित्र में कई तटस्था वक्र बनाए जाएं जो विभिन्न संतुष्टि स्तर को बताते हैं तो उसे तटस्था मानचित्र कहते हैं, ठीक है। यानी एक चित्र में आई सी फर्स्ट है, आई सी टू है, आई सी थ्री है, तो ये एक ही चित्र पर अगर बनाए जाएं तो इसे तटस्था मानचित्र कहते हैं, ठीक है। तो हमने ये बात की थी कि यहाँ पर हमने ले ली एक्स वस्तु, यहाँ एक्स वस्तु ले ली, एक्स वस्तु की एक इकाई और वाई वस्तु की 25 इकाई हमने बात की थी, ये पहला संयोग, दो इकाइयाँ, तीन इकाइयाँ, चार इकाइयाँ, इस तरह जो हमने बनाया था। तो यहाँ पर तटस्था जो मान जो एक से ज़्यादा तटस्था वक्र बनते हैं उसे तटस्था मानचित्र कहते हैं, क्योंकि एक तटस्था वक्र एक हम कह सकते हैं एक विशेष संतुष्टि स्तर को बताता है। और यदि एक चित्र में कई तटस्था वक्र जो विभिन्न संतुष्टि स्तर को दर्शाते हैं तो उसे तटस्था मानचित्र कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब एक साथ कई तटस्था वक्र बनाए जाते हैं तो उसे तटस्था मानचित्र कहते हैं। एक साथ कई तटस्था वक्र बनाए, ये तटस्था वक्र फर्स्ट है, ये तटस्था वक्र सेकंड है, ये तटस्था वक्र थर्ड है, तो एक साथ कई जो है तटस्था वक्र बनाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तटस्था मानचित्र, ठीक है। अब सबसे पहला जो तटस्था वक्र है नीचे ले आ, वो ऊंचे की बजाय कम संतुष्टि स्तर को दर्शाता है, ठीक है। सबसे निचला तटस्था वक्र यानी जो निचला है सबसे, वह सबसे कम संतुष्टि स्तर को दर्शाता है। और ज्यों ज्यों हम तटस्था वक्र ऊपर की ओर चलते हैं, जैसे जैसे हम उच्च तटस्था वक्र की ओर बढ़ते हैं, उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि स्तर प्राप्त होता है। कैसे कि अगर हमने माना कि उपभोक्ता इस संयोग को चुने, जैसे ये एक संयोग है, ये संयोग है बी संयोग, ठीक है, अब नीचे की बजाय ऊपर का तटस्था वक्र अधिक संतुष्टि क्यों दर्शाता है। देखिए अगर उपभोक्ता इस संयोग को चुने नीचे वाले तटस्था वक्र पे, तो उसको एक्स वस्तु की इतनी इकाइयां जबकि वाई वस्तु की इतना इकाइयां प्राप्त होगी, ठीक है। और अगर वो ए से बी पर चुने यानी दूसरे तटस्था वक्र पे जाता है, इसका मतलब होगा कि उसे दोनों ही वस्तुओं की यानी एक्स की भी ज्यादा मात्रा प्राप्त होगी इसकी बजाय इतनी ज्यादा मात्रा में, और वाई की भी अधिक मात्रा प्राप्त होगी, एक्स की भी इससे ज़्यादा प्राप्त होगी इतनी, और वाई की भी इतनी ज़्यादा प्राप्त होगी, ठीक है। तो नीचे का तटस्था वक्र ऊपर के तटस्था वक्र की बजाय कम संतुष्टि स्तर को दर्शाता है। अगर हम बी की बजाय सी को चुने और उपभोक्ता ऊंचे नीचे तटस्था वक्र की बजाय ऊपर तटस्था वक्र के पर जाता है, तो उसको यहाँ भी वाई की भी अधिक प्राप्त होगी इतनी मात्रा, और एक्स की भी इतनी प्राप्त होगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि निचले तटस्था वक्र की बजाय जो ऊंचा तटस्था वक्र है वो उपभोक्ता के अधिक संतुष्टि स्तर को दर्शाता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं निचला तटस्था वक्र सबसे कम संतुष्टि स्तर को दर्शाता है, आई सी फर्स्ट सबसे कम संतुष्टि स्तर को दर्शाता है, और जैसे जैसे हम उच्च तटस्था वक्र की ओर बढ़ते हैं उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि स्तर प्राप्त होता है। तो तटस्था मानचित्र क्या हो गया, जब एक ही रेखा चित्र पर हम जो है कई तटस्था वक्रों को बनाते हैं एक साथ तो उसे तटस्था मानचित्र कहा जाता है, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि निचले तटस्था वक्र ऊपरले तटस्था वक्र के बजाय कम संतुष्टि स्तर को दर्शाता है, क्योंकि उसे दोनों ही वस्तुओं की कम इकाइयां प्राप्त होगी। अगर बी की बजाय ए को यहाँ पर संयोग है तो इससे दोनों एक्स की भी और वाई दोनों की कम इकाइयां प्राप्त होगी, इसलिए निचले तटस्था वक्र की बजाय ऊपर का तटस्था वक्र अधिक संतुष्टि स्तर को दर्शाता है, ठीक है। फिर हमने बात की थी बात करेंगे तटस्था वक्र का जो गणितीय स्वरूप है या गणितीय समीकरण है वो क्या होगा। अगर गणितीय इसका गणितीय स्वरूप देखें अपन, तटस्था वक्र का गणितीय स्वरूप अगर देखें, गणितीय रूप देखें, तो गणितीय रूप में ये इस प्रकार होगा
जो समीकरण बनेगा वो होगा u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 x2 डैश डैश xn। इसका मतलब यूटिलिटी जो है फंक्शन किसका है, विभिन्न वस्तुओं की मात्रा का, x1 और x2 जो है विभिन्न दो वस्तुएं हैं उनकी मात्रा का। अर्थात इसको ये भी कह सकते हैं u इज फंक्शन ऑफ x एंड y, x y दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग को दर्शाता है, ठीक है। तो ये x वस्तु की मात्रा है और ये y वस्तु की, तो ये समीकरण जो है मुख्य रूप से होगा, ठीक है। तो ये गणितीय रूप हो गया। अब तटस्थता मानचित्र बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उपभोक्ता चाहता है कि उसे अधिक संतुष्टि मिले। तो ये IC फर्स्ट है, ये IC टू है, ये IC थ्री है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि निचला जो तटस्थता वक्र, एक उच्च तटस्थता वक्र ज्यादा उपयोगिता और ज्यादा संतुष्टि को दर्शाता है। उच्च तटस्थता वक्र जो है ये पहला IC फर्स्ट है, ये IC सेकंड है, ये IC थर्ड है। तो उच्च तटस्थता वक्र निचले तटस्थता वक्र की बजाय अधिक संतुष्टि को दर्शाता है, ठीक है। निचला तटस्थता वक्र कम उपयोगिता और कम संतुष्टि को दर्शाता है। कम क्यों? क्योंकि उससे दोनों ही वस्तुओं की अधिक कम इकाइयां प्राप्त होगी। जैसे हम कह सकते हैं, मैंने बताया था ए संयोग और ये बी से, निचला तटस्थता वक्र ये ए संयोग है जो ए निचले तटस्थता वक्र पर स्थित है। इसका मतलब उसे x की इतनी मात्रा, वाई की इतनी मात्रा और एक्स की इतनी मात्रा प्राप्त होगी। ये आपका एक्स वस्तु है, ओ एक्स और ओ वाई, ठीक है। तो x वस्तु की केवल इतनी इकाइयां प्राप्त हो, जैसे एक इकाई है, और y वस्तु की जो है हम कह सकते हैं जैसे 10 इकाइयां प्राप्त हो रही, ठीक है। अब अगर वो ए निचले तटस्थता वक्र के बजाय उच्च ऊपर के तटस्थता वक्र पर स्थित हो, तो इसका मतलब उसे x की भी अधिक इकाइयां, जैसे x की 11 कह दो और y की भी अधिक इकाइयां प्राप्त होगी, या 12 कह सकते हो और यहाँ 2, ठीक है। तो निचला तटस्थता वक्र की बजाय उच्च जो है उच्च ऊपर वाला तटस्थता वक्र, चाहे कहीं भी स्थित हो, यहाँ हो यहाँ हो, इसकी बजाय यहाँ पर ले लो, ये बिंदु ले लो, तो कहीं भी तुलना करें, किसी भी IC फर्स्ट की तुलना अगर IC सेकंड से करें, तो निचला तटस्थता वक्र जो है वो उचले तटस्थता वक्र की बजाय कम उपयोगिता और कम संतुष्टि को दर्शाएगा। और ज्यों ज्यों हम ऊपर के तटस्थता वक्र की ओर जाएंगे, उपभोक्ता को जो है अधिक उपयोगिता और अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी, ठीक है। जब अगर रेखाचित्र को हम स्पष्टीकरण करें, यदि उपभोक्ता प्रारंभ ए संयोग को अपनाता है, ये वाला संयोग अपनाता है, तो उसे एक्स वस्तु की इतनी इकाइयाँ, एक्स वस्तु की जैसे एक इकाई प्राप्त हो रही है उसे, ठीक है, और वाई वस्तु की जैसे 10 इकाइयाँ प्राप्त हो रही हैं, ठीक है। यदि उपभोक्ता निचले संयोग ए वन पर जाता है, अब इसके बजाय इसको नाम दे दिया हमने ए वन, तो उसे दोनों ही वस्तुओं की कम मात्रा प्राप्त होगी। यानी अगर हम देखते हैं कि ये ए वन है, ये ए और ये ए वन है, तो अगर उपभोक्ता ए वन पर जाता है तो ए की तुलना में ए वन पर उसे जो है अधिक उपयोगिता और अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी, ठीक है। और अगर वो ए वन की बजाय ए टू पर जाता है तो उसे और ज़्यादा, क्योंकि उसे वाई वस्तु की इतनी मात्रा और एक्स वस्तु की इतनी मात्रा प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये ए वन और ये ए टू, अगर तीनों संयोगों में से ए वन की तुलना में जो है कम संतुष्टि और कम उपयोगिता मिलेगी, जबकि ए टू ए वन से जो है ए टू की बजाय कम उपयोगिता और कम संतुष्टि प्राप्त होगी, ठीक है। इसके विपरीत यदि वो ऊपर जाता है तो दोनों वस्तुओं की उसे अधिक मात्रा, दोनों ही एक्स की भी ज़्यादा मिल रही है और वाई की भी ज़्यादा मिल रही है, तो दोनों ही वस्तुओं की अधिक मात्रा और संतुष्टि प्राप्त होगी। तो अब क्या कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में ये हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता ए के तटस्थता वक्र के विभिन्न संयोगों में तटस्थ होता है। ए बी ए की तटस्थता वक्र पर अगर वो किसी भी बिंदु पर है, वो या इसमें यहाँ पर कहीं भी है, तो उसे समान संतुष्टि मिल रही है, किसी भी संयोग को अपना सकता है वो। शर्त यही है कि ए के तटस्थता वक्र पर अगर वो है कहीं पर, अगर ए के तटस्थता वक्र पर वो किसी भी बिंदु पर है, यहाँ पर ले लो चाहे यहाँ ले लो किसी भी बिंदु पर ले लो, उससे समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है, ठीक है। लेकिन
अगर वो ऊपर के तटस्था वक्र की ओर जाता है तो उसे संतुष्टि और उपयोगिता दोनों ही अधिक प्राप्त होगी। तो एक ही तटस्था वक्र के विभिन्न संयोगों पर उपभोक्ता तटस्थ होता है, यहाँ पर सब पे तटस्थ होता है क्योंकि सब पे समान संतुष्टि मिलेगी। वो चाहे इसको चुने, चाहे इसको चुने, चाहे इसको चुने या इसको चुने, किसी भी बिंदु को चुने एक ही तटस्था वक्र पर, उपभोक्ता इन सभी संयोगों पर तटस्थ होता है, ठीक है। अर्थात उसे सभी संयोगों से समान संतुष्टि मिलती। परंतु यदि वह उससे निचले तटस्था वक्र या संयोग को चुनता है या उससे ऊपर के तटस्था वक्र या संयोग को चुनता है तो उसे नीचे वाले तटस्था वक्र की बजाय ऊपर वाले तटस्था वक्र से अधिक उपयोगिता भी प्राप्त होगी और अधिक संतुष्टि भी प्राप्त होगी। क्यों होगी? आप कारण बता सकते हो कि निचले वाले तटस्था वक्र की बजाय ऊपर वाले तटस्था वक्र पर उपभोक्ता को दोनों ही वस्तुओं की अधिक मात्रा प्राप्त होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि निचले तटस्था वक्र की बजाय ऊपर का जो तटस्था वक्र है वो उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि देता है। तो हम कह सकते हैं कि IC फर्स्ट से की बजाय IC 2 पर स्थित सभी बिंदुओं पर उसे अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी और IC 2 की बजाय IC 3 पर जो है स्थित सभी बिंदुओं पर उपभोक्ता को जो है अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी। ज्यों ज्यों हम नीचे की ओर जाएंगे यानी IC 1 तो कम संतुष्टि और कम उपयोगिता प्राप्त होगी, उससे मध्यम या इससे कम, और इससे अगर IC 3 है तो उससे अधिक प्राप्त होगी। तो ज्यों ज्यों तटस्था वक्र ऊपर स्थित होता है उपभोक्ता की जो है संतुष्टि स्तर और उपयोगिता भी बढ़ती जाती है। तो ये हो गया आपका तटस्था मानचित्र। तटस्था मानचित्र क्या है कि जब एक ही एक चित्र पर हम जो है कई तटस्था वक्र को बनाते हैं तो उसे तटस्था मानचित्र कहते हैं। और ये याद रखना है आपको, नीचे वाले तटस्था मानचित्र तटस्था वक्र की बजाय ऊपर वाला जो तटस्था वक्र है वो अधिक संतुष्टि प्रदान करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका तटस्थता मानचित्र। नेक्स्ट हम बात करते हैं तटस्था वक्र की मान्यताएं। थोड़ा नीचे लेते हैं, तटस्थता वक्र की मान्यताएं। देखिए, मैंने कहा था अर्थशास्त्र के जितने भी नियम हैं उसकी कोई ना कोई मान्यता होती है, ठीक है। तो तटस्था वक्र इसके भी तटस्था वक्र की भी कोई मान्यताएं होती है। तो क्या क्या मान्यताएं होती है? नंबर एक, उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। ये मान्यता तो लगभग सभी अर्थशास्त्र के नियमों में आती है, उपभोक्ता एक विवेकशील। आपने पढ़ा है सीमांत उपयोगिता आसनी में भी ये मान्यता आई थी, सम सीमांत उपयोगिता में भी आई थी और तटस्था वक्र में भी आएगी। तटस्था उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है, पहली मान्यता। तो ये एक नियम हमें बताता है कि उपभोक्ता अपने विवेक से निर्णय लेता है और वो चाहता है कि वो जितना व्यय कर रहा है उससे संतुष्टि उस जो है उतनी प्राप्त हो रही है या नहीं, ठीक है। तो उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है, इसका मतलब क्या हो गया कि उपभोक्ता अपनी आय को इस तरह खर्च करना चाहता है, अपनी आय जो उपभोक्ता की आय होती है वो उसको इस तरह खर्च करना चाहता है कि उसे अधिकतम उपयोगिता मिले। यानी सभी व्यक्ति अपने विवेक से सोच समझ करके निर्णय लेते हैं और अपनी आय को इस प्रकार खर्च करते हैं कि उसे अधिकतम संतुष्टि मिले। हर उपभोक्ता ये निर्णय लेगा तो भी ये जान सकता है ये नियम लागू होगा। अगर उपभोक्ता विवेकशील नहीं है तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा। कारण क्या है कि जैसे मैंने उदाहरण दिया था शराब वाला, या एक जो व्यक्ति किसी तरह का नशा करता है तो वो विवेक से निर्णय नहीं लेता, उसे कोई उपयोगिता नहीं मिल रही फिर भी वो लेता है, उसका प्रयोग करता है। तो हम कहते हैं पहले उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है, ये इसकी पहली मान्यता है। नंबर दो, दूसरी मान्यता, उपयोगिता क्रमवाचक होती है। उपयोगिता, दूसरी मान्यता क्या है? उपयोगिता जो है वो कैसी होती है? क्रमवाचक होती है। तो पहली हमने मान्यता ये, दूसरी मान्यता ये है कि ये तटस्था वक्र ये मान के चलता है कि उपयोगिता को जो है मापा नहीं जा सकता,
मात्रात्मक नहीं होती है, मापन मापन संभव नहीं है। जबकि क्या दिया गया किया जा सकता है, उपयोगिता को क्रम दिया जा सकता है, उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता या उपयोगिता का मापन संभव नहीं, ठीक है। यानी उपयोगिता को क्रम दिया जा सकता है कि पहली वस्तु क्या जो है, दो तीन वस्तुओं की तुलना में जो है पेन की बजाय रोटी, और रोटी की बजाय हम कह सकते हैं पेन की बजाय रोटी, कार की बजाय पेन, पेन की बजाय रोटी, यानी इसको रोटी को पहले क्रम पे, पेन को दूसरे क्रम पे, और कार को, तीनों उपयोगी है लेकिन उपयोगिता को मापा, ये नहीं कह सकते कि रोटी से कितनी उपयोगिता मिल रही है, पेन से कितनी मिल रही है, ठीक है। ये जो पहला है उपयोगिता, वो जो विश्लेषण का जो पहला है गणनावाचक, वो ये कहता है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। जबकि ये नियम मान के चलता है, तटस्था वक्र मान के चलता है कि उपयोगिता का मापन संभव नहीं है, बल्कि उपयोगिता को क्या किया जा सकता है, क्रम दिया जा सकता है, वरीयता दी जा सकती है, वरीयता या क्रम या ए रैंक दी जा सकती है कि पेन की बजाय रोटी और कार की बजाय पेन को अधिक उपयोगी है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि उपयोगिता को जो है क्रमवाचक होती है, न कि गणनावाचक। अर्थात उपयोगिता उपभोक्ता जो है अपनी पसंद के अनुसार इसे श्रेणीबद्ध कर सकता है। श्रेणीबद्ध कैसे, कि एक उपभोक्ता रोटी को महत्व ज़्यादा देगा पेन की बजाय रोटी को, और कार की बजाय पेन को अधिक महत्व देगा। दूसरा उपभोक्ता अगर आता है तो वो हो सकता है पहले स्थान पर कार को रखे और रोटी को दूसरे स्थान पर रखे, तीसरे स्थान पर पेन को। तो इसका मतलब ये हो गया कि उपयोग उपभोक्ता क्या कर सकता है, श्रेणी प्रदान कर सकता है या वरीयता प्रदान कर सकता है, ठीक है। नंबर तीन, तीसरी मान्यता क्या है, पसंद जो होती है उपभोक्ता की, जो पसंद है वो संगति युक्त होती है। उपभोक्ता की पसंद संगति युक्त तो उपभोक्ता पहली मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता विवेकशील है। तो उपभोक्ता की जो पसंद है वो संगति युक्त होती है। संगति मतलब हो गया कि एक निश्चित क्रम में होती है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि उपभोक्ता ए की तुलना में बी को पसंद करता है, ए की तुलना में बी को अधिक पसंद करता है, जैसे ए है पेन और बी है रोटी, ठीक है। यदि उपभोक्ता ए की तुलना में बी को पसंद करता है और अगर बी की तुलना में वो सी को पसंद करता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका सीधा सा मतलब है कि वो ए और बी की तुलना में सी को अधिक पसंद करता है। इसका मतलब बी की तुलना में सी को अधिक पसंद करता है और ए की तुलना में भी सी को अधिक पसंद करता है। संगति युक्त का मतलब यही हो गया, ठीक है। अर्थात ए की तुलना में यदि उपभोक्ता बी को और बी की तुलना में सी को अधिक पसंद करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह ए की तुलना में भी सी को अधिक पसंद करेगा, ठीक है। जैसे मैंने उदाहरण लिया कार, पेन और रोटी, ए बी सी के नाम नहीं लिखे मैंने, उदाहरण लिया नहीं। तो अगर उपभोक्ता कार की बजाय पेन को अधिक पसंद करता है और पेन की तुलना में रोटी को अधिक पसंद करता है तो हम ये कह सकते, संगति युक्त का मतलब क्या हो गया, तो हम ये भी कह सकते हैं कि उपभोक्ता कार की तुलना में भी रोटी को अधिक पसंद करेगा। पेन की तुलना में तो करता है वो, लेकिन कार की तुलना में भी वो रोटी को अधिक पसंद करेगा। तो संगति युक्त ये होगा, संगति युक्त का मतलब ये हो गया कि यदि उपभोक्ता ए की तुलना में बी को और बी की तुलना में सी को अधिक पसंद करता है तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि उपभोक्ता ए की तुलना में भी सी को अधिक पसंद करता है, तो ये कहलाएगा संगति युक्त, ठीक है। तो उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता की जो पसंद है वो संगति युक्त होती है। ये तटस्था वक्र की तीसरी मान्यता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम चौथी मान्यता। तो कुल उपयोगिता, चौथी मान्यता है कुल उपयोगिता उपभोग की मात्रा पर निर्भर करती है। कुल उपयोगिता उपभोग की मात्रा पर निर्भर करती है। निर्भर करती है। चौथी मान्यता क्या है कि कुल उपयोगिता, यहाँ सीमांत उपयोगिता की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम टोटल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं।
तो कुल उपयोगिता किस पर निर्भर करती है? उपभोग की मात्रा पर। मात्रा मतलब जो जो उपभोक्ता अधिक मात्रा प्रयोग करेगा, एक से कुल उपयोगिता जो है अधिक जितनी मिलती है उससे जो जो वस्तु की इकाइयां बढ़ाएगा उसका योग ही कुल उपयोगिता कहलाएगा। हमने परिभाषा पहले ही पढ़ ली थी, ठीक है। तो चौथी मान्यता यह है कि उपभोक्ता की जो कुल उपयोगिता है वह विभिन्न वस्तुओं की उपभोग की गई मात्रा पर निर्भर करता है। उपभोग की मात्रा, एक केला खा रहा है कि दो खा रहा है, दो खा रहा है कि तीन खा रहा है, तीन खा रहा है चार खा रहा है, तो जितनी केले ज़्यादा खाएगा जो है कुल उपयोगिता बढ़ेगी। बात समझ में आई ना, ये उसमें की भी मान्यता है। तो जितनी उपभोग की मात्रा बढ़ेगी कुल उपयोगिता भी बढ़ेगी। एक केला खा रहा है या चार केले खा रहा है, तो जितने केले ज़्यादा खाएगा कुल उपयोगिता भी अधिक अधिक बढ़ेगी। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि कुल उपयोगिता, रोटी एक खा रहा है, दो खा रहा है, तीन खा रहा है, चार खा रहा है, जितनी रोटियां अधिक खाएगा कुल उपयोगिता बढ़ेगी। ये तो कुल उपयोगिता वाले नियम भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो एक्स वस्तु की कितनी मात्रा उपभोग कर रहा है उपभोक्ता, इस पर उसकी कुल उपयोगिता निर्भर करती है। तो कुल उपयोगिता किस पर निर्भर करती है? उपभोग की मात्रा पर। उपभोक्ता कितना अधिक उपभोग करता है, ठीक है। तो ये चौथी मान्यता हो गई। पांचवी मान्यता, प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती जाती है। पांचवी मान्यता क्या हो गई? प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है, घटती हुई या घटती हुई मानी जाती है। पांचवी मान्यता क्या है? प्रतिस्थापन की, इसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS। एक्स वस्तु की MRS जो रेट है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो है वो घटती हुई होती है। ये इसकी पांचवी मान्यता है, ठीक है। इसको प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है, एक थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब तक हमने क्या पढ़ा? तटस्थता मानचित्र क्या पढ़ा था हमने, कि तटस्थता मानचित्र क्या होता है? जब एक ही रेखा चित्र पर कई तटस्थता वक्र बनाए जाते हैं तो उसे कहते हैं तटस्थता मानचित्र, या IC फर्स्ट, या IC सेकेंड, या IC थर्ड। तो एक ही रेखा चित्र पर हमने बताया। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी, कि निचले वाले तटस्थता वक्र की बजाय ऊपर वाला जो तटस्थता वक्र है वो अधिक संतुष्टि देता है। कारण क्या है? कि उससे ऊपर वाला जो तटस्थता वक्र है उससे नीचे वाले तटस्थता वक्र की बजाय दोनों ही वस्तुओं की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उससे कुल उपयोगिता भी उसकी अधिक होगी और संतुष्टि भी अधिक होगी, ठीक है। इसके बजाय अगर वो इसको चुनता है, ऊपर के वाले तटस्थता वक्र पर कोई किसी भी बिंदु को चुनता है, अब देखिए यहाँ पर बिंदु नहीं चुना, इसको हम बाद में करेंगे, यहाँ पर चुन लिया, तो भी इसका मतलब यह है कि नीचे वाली तो इतनी मिल रही है लेकिन एक्स वस्तु की ज़्यादा मात्रा प्राप्त हो रही। इसलिए हम कह सकते हैं कि निचले वाले तटस्थता वक्र की बजाय ऊपर वाला तटस्थता वक्र अधिक संतुष्टि देता है। इसमें जब तटस्थता वक्र की विशेषताएं पढ़ेंगे ना अपन, तो हम इसको, इस बिंदु को वापस क्लियर करेंगे, ठीक है। तो हमने बात की थी, फिर हमने पढ़ा है तटस्थता वक्र की मान्यताएं क्या होती है, IC वक्र की मान्यता क्या होती है। तो उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है, अर्थात उपभोक्ता सोच समझ करके निर्णय लेता है और अपनी आय को इस तरह खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि मिले। दूसरी बात उपयोगिता, दूसरी मान्यता होगी क्रमवाचक होती है उपयोगिता, यानी उपभोक्ता का मापा नहीं जा सकता बल्कि क्रम दिया जा सकता है। तीसरी मान्यता क्या होगी, उपभोक्ता की पसंद संगति युक्त होती है, अर्थात यदि उपभोक्ता ए वस्तु की बजाय बी को अधिक पसंद करता है और बी वस्तु की बजाय सी को अधिक पसंद करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता ए की बजाय भी सी को अधिक पसंद करेगा। तो उपभोक्ता की जो पसंद है वो कैसी होती है, संगति युक्त होती है। चौथी मान्यता, उपभोग जो है मात्रा, कुल उपयोगिता किस पर निर्भर करती है, उपभोग की मात्रा पर। जितनी मात्रा बढ़ाएगा वस्तु की उतनी ही उसकी कुल उपयोगिता अधिक बढ़ेगी। तो कुल उपयोगिता किस पर निर्भर करती है, उपभोक्ता की मात्रा। अब पांचवा पॉइंट जो है वो थोड़ा डिटेल से है, रेखाचित्र से हम इसको समझेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यानी प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो घटती हुई होती है। MRS क्या होता है उसको हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और एक चीज़ का ध्यान रखना कि कल वाला जो टॉपिक है वो आपका पूरा हुआ कि नहीं हुआ, उसमें समझ में आया कि नहीं आया, उसको मेरे को बताना है। तटस्थता वक्र परिभाषा क्या होती है और उस चीज़ को आपने क्लियर किया कि नहीं किया वो मेरे को आप नेक्स्ट क्लास में बताओगे, क्योंकि आपका समय पर रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है,
तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कल वाला जो टॉपिक था तटस्था, इसका परिभाषा क्या है, तटस्था वक्र की परिभाषा क्या थी, इसका जो गणितीय स्वरूप क्या था, ठीक है, और आईसी वक्र होता क्या है, क्रमवाचक विश्लेषण क्या होता है, इन चीज़ों को आपने वापस रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो अगर आप रेस्पॉन्स दोगे तो फिर आगे की क्लास में हम ज़्यादा इच्छा करेगी भी आगे क्लास अटेंड करें। तो ध्यान रखना, आप वापस इसका रेस्पॉन्स दिया करो, केवल कल राकेश का रेस्पॉन्स आया था, उसके अलावा किसी ने रेस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है भाई, क्या कर रहा है दिलकुश, वापस इसका रेस्पॉन्स दिया करो जो पढ़ रहे हो, ताकि कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो उसको वापस हम बता तो सके भी ये चीज़ नहीं आई, फिर क्या दिक्कत आ रही है वहाँ पे, या फ़ोन पे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। तो वापस इसका रेस्पॉन्स दो ताकि नेक्स्ट हम क्लास आगे की ओर बढ़ाएँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।